गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्दनकर आज फिर से आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सेशन रहेगा एसबीआई क्लर्क प्री 2020 को टारगेट करते हुए। ये हमारी एक रिविजन सीरीज़ है जो रीजनिंग और क्वांट दोनों के लिए हमने आपके लिए कंटिन्यू की है, चला रखी है। तो आई होप आप सभी जो क्वांट के जो सेशंस हैं उनको भी उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी उतना ही डिलीजेंटली देख रहे हैं जितना रीजनिंग के सेशंस को देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए या फिर प्री को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब हमारा टारगेट है 35 आउट ऑफ 35 अचीव करना, उसके लिए खूब मेहनत की ज़रूरत है। अभी हमारे पास समय है, काफ़ी स्टूडेंट्स का 22 को एग्ज़ाम है, पर उसमें से भी बहुत सारों का 29 और 1 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उनके लिए और 22 वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन। आज के सेशन में तीन सेट आपके लिए लाया हूँ, तीनों के तीनों मेमोरी बेस्ड है। एग्जैक्टली वैसे नहीं है पर उसी टाइप उसी पैटर्न पे है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार 2019 में किस लेवल के किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे, ठीक है। अब सेशन स्टार्ट करें उससे पहले सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को आप अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करेंगे। और इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको चाहिए कि सर ये सवाल पीडीएफ में भी मिले, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है छोटा सा जो कुछ ही दिनों पहले हमने स्टार्ट किया है, वर्चुअस नाम से ही है, VIRTUOUS जो चैनल का नाम है उसी से टेलीग्राम का भी। और अगर आपको एग्जैक्ट लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली जो भी हम सेशन करवाते हैं वहाँ पर उसकी पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और देरी मत कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सबसे पहले हिंदी में देखते हैं सवाल। एक पैरेलल रो अरेंजमेंट का सवाल है, दो पंक्तियां दी हुई है जिसमें लोग आमने सामने बैठे हैं। पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। चलिए आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट दे दिया। अब यही सवाल हम देखेंगे इंग्लिश में। पैरेलल रो अरेंजमेंट का सवाल है, 12 लोग बैठे हैं। चलिए देख लेते हैं अब सवाल क्या था। 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल ईच इन सच अ वे दैट देर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, ठीक है, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। इन रो वन एम एन ओ पी क्यू आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, मतलब एक रो में ये 6 व्यक्ति बैठे हैं और सभी के सभी दक्षिण दिशा साउथ फेसिंग है। अब रो नंबर 2 में क्या है, रो 2 में ए बी सी डी ई एफ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ये सभी के सभी उत्तर दिशा नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईच मेंबर ऑफ इन रो 1 इज फेसिंग मेंबर ऑफ रो 2, ये तो सभी को पता है। चलिए यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। टू पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एन एंड नाइदर ऑफ देम इज एट द कॉर्नर, तो पहली ही जानकारी ऐसी है जिससे आप अरेंजमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब देखते हैं। अब M और N कौन सी रो में है, रो नंबर 1, रो नंबर 1 कौन सी, साउथ फेसिंग रो, ठीक है, तो दोनों ही किसी भी एंड पे नहीं है, ठीक है। टोटल जने कितने हैं, 6 जने, अभी देख लेते हैं जल्दी से, टोटल 6 प्लेसेस हैं। और ये बोला गया है कि M और N में दो लोगों का गैप होना चाहिए, तो ठीक है सर, ऐसा कीजिए एक बार M को यहाँ पर, दो का गैप N को यहाँ पर। सर इसी प्रकार एक और केस बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अब एंड्स पे तो नहीं हो सकते, दो का गैप है, एक बार एन यहां पर, एक दो का गैप एम दूसरी तरफ। तो ये दो केसेस के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए अरेंजमेंट बन चुकी है, इसके सामने जो फेसिंग जो रो है, रो नंबर 2 जो है उसको भी जल्दी से बना लीजिए। चलिए ये केस 1 एंड दिस इज केस 2। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं। अब कोशिश कीजिएगा कि एम और एन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द वन हु इज फेसिंग डी इज अ नेबर ऑफ एन, जो डी को देख रहा है वो एन का नेबर है। अब एन के दो दो नेबर हैं, ये प्रॉब्लम है, एन का ये भी नेबर है ये भी नेबर है, तो डी की दो जगह बन जाएगी, इसमें भी दो इसमें भी दो। तो इसके बजाय क्या करते हैं, अब इस इंफॉर्मेशन को होल्ड पर रखते हैं, बाद में यूज करेंगे फर्दर दो केस बनाने के बजाय। आगे देखते हैं, ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, ठीक है, और ओ इज नॉट ए नेबर ऑफ एन। हाँ अब एन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो इसको एक बार यूज कर लेते हैं, ओ इज नॉट ए नेबर ऑफ एन, तो ओ ना तो यहां बैठता है और ना ही ओ यहां बैठता है। सिमिलरली ओ ना यहां बैठेगा ना ही ओ आपके यहां बैठेगा, अब दोनों में से किसी भी जगह पे ओ बैठेगा नहीं, तो या तो ओ यहां बैठेगा या फिर ओ यहां पर बैठेगा। अब ओ से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन थी,
ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, ओ कहां पर है क्यू से सेकेंड राइट। तो मान लीजिए आपने ओ को यहां रख दिया, दो ही जगह थी ना, ओ को यहां रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली क्यू कहां होना चाहिए, क्यू से सेकेंड राइट आप बता रहे हैं ना, तो क्यू को सर फिर एन की जगह पर होना चाहिए, जो पॉसिबल है नहीं, एक प्लेस पे तो एक ही बंदा होगा, एक ही पर्सन होगा ना। अगर ओ कहां पर है, क्यू के सेकेंड राइट है, सभी के सभी कहां देख रहे हैं, ये साउथ फेसिंग है, तो यहां पर क्यू होगा, तभी तो एक दो सेकेंड राइट पे ओ आ पाएगा, यहां पर क्यू को बैठना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ओ यहां पर नहीं बैठेगा। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, ओ यहां नहीं बैठेगा, तो ओ की पोजिशन आप यहीं पर फिक्स कर लेंगे, ओ बैठेगा यहां पर। अब ओ यहां पर है तो अकॉर्डिंगली क्यू आ जाएगा यहां पर, बहुत ही बढ़िया बात। अब यही चीज इसके अंदर भी चेक करते हैं सर, ओ ना यहां पर, ओ ना यहां पर, तो दो ही जगह है ओ के लिए, या तो यहां पर या फिर यहां पर। अब सर ओ को आप यहां पर तो बिठा नहीं सकते, क्योंकि फिर इस तरफ तो जगह ही नहीं बची क्यू के लिए, तो ओ को आप कहाँ बिठा लेंगे, ओ को आपने बिठाया यहां पर, यहां पर ओ है तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। चलिए अपने ओ और क्यू आराम से प्लेस कर लिया, बाकी देखेंगे। द वन हु इज फेसिंग ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो ओ को फेसिंग ये है, ये एफ से क्या है, सेकेंड लेफ्ट, तो एफ आ जाएगा यहां पर, सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है, इसके सेकेंड लेफ्ट। अब ओ यहां पर है तो एफ आ जाएगा यहां पर, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मोर देन टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में दो से ज्यादा लोग, तो अभी इसको यूज कर नहीं सकते। मोर देन टू पीपल सिट बिटवीन ई एंड द वन हु इज फेसिंग एम, हाँ एम आपके पास है तो इसको यूज कर सकते हैं, जो एम को फेस कर रहा है, एम को ये फेस कर रहा है, और ई के बीच में दो से ज्यादा लोग, दो से ज्यादा कम से कम तीन, एक दो तीन, यहां पर आ गया आपका ई आ गया। सिमिलरली एम को फेस ये कर रहा है, कम से कम तीन, एक दो तीन, यहां पर आपका क्या आ गया, ई आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते। इमीजिएट नेबर ऑफ आर इज फेसिंग बी, आर का जो इमीजिएट नेबर है वो बी को फेस करता है, तो सर अभी ना आर है ना बी है, तो एक बार खुद पे रखिए। पी इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो पी आपका वैसे तो रो वन में आता है, एक्सट्रीम एंड पे मतलब यहां पर अगर पी नहीं बैठेगा, तो पी के लिए एक ही जगह है, क्यू और एन के बीच में, यहां पर बिठा दीजिए पी को। अब पी को आपने जैसे ही बिठाया, आर की भी ऑटोमेटिकली पोजीशन फिक्स हो गई, क्योंकि एक ही प्लेस बचा है और एक ही पर्सन आर है, आर यहां पर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आपको बोला गया था, देखिए इससे जस्ट पहले एक इन्फॉर्मेशन थी, इमीजिएट नेबर ऑफ आर, आर के इमीजिएट नेबर एन है, वो किसको फेस करता है, बी को फेस करता है। अब बी से रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर छोड़ी थी, मोर देन टू पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी, दो से ज्यादा तो कम से कम तीन तो होंगे, एक दो तीन, यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। ये सिमिलर चीज यहाँ पर केस नंबर टू में भी अप्लाई कर लीजिए। अब पी क्या है, एक्सट्रीम एंड पे, यहाँ पर तो पी आ नहीं सकता, तो पी को आना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर अगर पी आ गया तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर आपका बैठ जाएगा आर। अब आर के जो इमीडिएट नेबर हैं वो बी की तरफ है कि नहीं, बिल्कुल है सर, तो बी और सी के बीच में कम से कम तीन का गैप होना चाहिए, तो एक दो तीन, सर यहाँ तो एफ बैठा हुआ है, इस बेसिस पे ये केस तो आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, केस नंबर वन आपका ट्रू केस आ जाएगा। अब इसके अलावा और क्या बात बता रखी है सर, द वन हु इज फेसिंग डी इज ए नेबर ऑफ एन, जो डी को फेस करता है वो एन का नेबर है, तो एन का नेबर डी को फेसिंग, डी यहां पर आ गया, यहां पर आपका ए आ गया, बस अरेंजमेंट पूरी की पूरी कंप्लीट, अरेंजमेंट पूरी की पूरी आपकी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे सवाल क्या थे देख लेते हैं, हु इज फेसिंग पी, पी को कौन फेस करता है, पी को डी फेस करता है। चलिए हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड एन, ओ एन के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन, तीन लोग हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, क्यू के थर्ड लेफ्ट पे सर एक दो तीन आर है, क्योंकि क्यू साउथ फेसिंग है, तो सही से देखिएगा, एक दो तीन आर आपका थर्ड लेफ्ट है इसके, ठीक है। तो ये पहली आपकी अरेंजमेंट थी, सवाल लास्ट ईयर में पूछा जा चुका है, मन से नहीं बनाया है, सवाल लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, और इसी लेवल के सवाल रहेंगे, तो आपके खुद के सामने है, देखिए लेवल क्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सबसे पहले हिंदी में, बॉक्स बेस पजल है, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए, बॉक्स बेस पजल है, सिंगल वेरिएबल है, आराम से कर लेंगे आप लोग। चलिए अब यही सवाल इंग्लिश में है, फटाफट से सेम इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए भी, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए, बहुत ही इजी पजल है, आराम से 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, अब सवाल क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू आर 8 डिफरेंट बॉक्सेस, दे आर अरेंज इन सच अ मैनर डैट बॉक्स वन इज एट द बॉटम एंड द बॉक्स टू इज अबव इट एंड सो ऑन सच दैट द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 8।
तो यहाँ पर आपको 8 बॉक्सेस दिए जा रहे हैं, 8 बॉक्सेस को एक के ऊपर एक आपको अरेंज किया जा रहा है। किस प्रकार, मैं वहाँ लिख देता हूँ, 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 बॉटम में है और 8 क्या है, टॉप में। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बना लेते हैं। बना लिया। अब इसके बाद क्या बोल रखा है, आर इज बॉक्स नंबर 3। आर कहाँ पर है, बॉक्स नंबर 3 में है। अब आर से रिलेटेड ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन आर एंड वी, 1 2 यहाँ पर आ गया वी। अब वी से रिलेटेड, आर से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, एक मिनट आइए स्क्रोल थ्रू कीजिए। देर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन आर एंड एस, तो इसी बेसिस पे 2 केसेस बन जाएंगे। आर वी यहाँ रख दो, एक बार एस नीचे आ जाएगा और एक बार एस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब और क्या बोल रखा था, एस इज समवेयर बिलो टी, एस कहाँ पर है, टी के नीचे आता है। ठीक है, अब बीच में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, डब्ल्यू इज प्लेस्ड इमिजिएटली अबव क्यू, डब्ल्यू क्यू के जस्ट ऊपर रहता है। अच्छा, डब्ल्यू क्यू के जस्ट ऊपर रहता है, बहुत ही बढ़िया बात है। और क्या दे रखा था, देर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में एक ही बॉक्स है एंड टी इज प्लेस्ड अबव यू, तो टी और यू के बीच में एक का गैप है, टी और यू के बीच में एक का गैप है, डब्ल्यू जस्ट अबव क्यू है और टी एस के ऊपर रहेगा। तो ठीक है, टी एस के ऊपर है तो इसमें तो काफ़ी जगह है। सेकेंड केस में अगर आप देखो तो ऐसा कहीं पर भी आप टी नहीं रख सकते जिसमें आपको एक गैप के साथ यू बैठ सके। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे टी को आपने यहाँ रखा, एक गैप के साथ आपको यू चाहिए, तो एक गैप के साथ यू मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। चलिए टी को यहाँ रखा, एक गैप के साथ यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो केस टू तो इसी बेसिस पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, केस वन आपका ट्रू केस है। अब टी और यू की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसके साथ साथ आपको डब्ल्यू और क्यू का भी लगातार होना ध्यान रखना है। डब्ल्यू क्यू लगातार 5 और 4 में आ सकते हैं और 8 और 7 में आ सकते हैं, पर इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि टी के एक गैप के साथ आपको यू चाहिए। अब यार टी के एक गैप के साथ यू ऐसे मिल सकता है कि टी यहाँ रखा, एक गैप यू रख दिया। अब ऐसा रख दिया ना, टी यहाँ पर और फिर यू ऐसे रख दिया, तब आप मुझे ये बताइए डब्ल्यू और क्यू के लिए लगातार खाली जगह बची क्या, नहीं बची सर। तो टी और यू को यहाँ पर मत रखो, इसके बजाय क्या करो, टी को यहाँ रखो और एक गैप के साथ यू को यहाँ रखो। अब आपके पास ऊपर डब्ल्यू और क्यू के लिए जगह बच रही है कि नहीं बच रही, बिल्कुल 100% बच रही है। अब कौन बच गया, पी बच गया, पी को ऑटोमेटिकली यहाँ रख दो, ये पूरी अरेंजमेंट आपकी बन गई। देखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से बन रही है। अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज 5th नंबर्ड बॉक्स, 5वें नंबर पे कौन है, पी है। अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बिल्कुल मिडिल में कौन है, यू है। अमंग द फॉलोइंग इज एट द टॉप मोस्ट बॉक्स, सबसे टॉप पे कौन है, डब्ल्यू है। तो बहुत ही सिंपल सा 2 मिनट में हो जाने वाला पजल था ये, 5 सवाल पूछे गए थे इसमें, देख लीजिए लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है। चलिए आज का फाइनल सेट देख लेते हैं, सबसे पहले हिंदी में। चलिए, वीक बेस पजल है, शेड्यूलिंग टाइप है, वीक बेस पजल है, डबल वेरिएबल का सवाल है। पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। अब यही सवाल इंग्लिश में देखेंगे। हाँ जी, वीक बेस पजल है, डबल वेरिएबल है। चलिए, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। क्या दिया हुआ है, 7 टीचर्स ऑफ स्कूल और 7 नाम आपको दिए हैं, टीच 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री। ईच ऑफ देम टीचेज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक्स, नो 2 पर्सन टीचेज ऑन द सेम डे, तो एक दिन में एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो सबसे पहले 7 आप दिन लिख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन वी हैव थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फाइनली हम एंड करेंगे संडे पे। थोड़ा सा लंबा बनाइएगा क्योंकि डबल वेरिएबल है, दो दो वेरिएबल है और हो सकता है आपको मल्टीपल केसेस भी बनाने पड़े, अभी श्योर नहीं है पर फिर भी रेडी रहिएगा। चलिए ठीक है, अब और क्या बता रखा है, द मिनिमम 2 पर्सन्स टीच ईच सब्जेक्ट एंड हिस्ट्री इज दी ओनली सब्जेक्ट विच इज टॉट बाई 3 पर्सन्स, तो 7 लोग हैं, सब्जेक्ट 3 ही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा लोग पढ़ा रहे हैं, तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया कि कम से कम 2 लोग एक सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं और हिस्ट्री को तो 3 3 पढ़ाते हैं। अब हिस्ट्री को अगर 3 पढ़ाते हैं, इसका मतलब जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री, इतना मैथ्स तो आप भी जानती हैं कि इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री को कितने कितने, दो दो लोग पढ़ाएंगे, तभी तो 3 प्लस 2 5 प्लस 2 कितना आ गया, टोटल 7 बन गया। ठीक है, इतना तो आपको भी पता है, इतना मैथ्स तो आप सभी जानते ही हैं। अब इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री इज टॉट बाई गरिमा ऑन मंडे, हिस्ट्री कौन पढ़ाती है, गरिमा पढ़ाती है,
और मंडे को पढ़ाती है। ठीक है सर, लिख लिया बिल्कुल। लोकेश टीचेज इकोनॉमिक्स बट नाइदर ऑन ट्यूजडे नॉर ऑन सैटरडे। लोकेश क्या है, तो इस इंफॉर्मेशन को अभी के लिए आप साइड में लिख के रखिए। लोकेश इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, पर ना ही लोकेश ट्यूसडे को पढ़ाएगा और ना ही कब पढ़ाएगा, ना ही सैटरडे को पढ़ाएगा। तो एक बार क्रॉस करके यहाँ पर एल ओ लोकेश करके लिख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। महेश टीचेज ऑन संडे। महेश संडे को पढ़ाता है, ठीक है, बट नॉट केमिस्ट्री, पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, तो सी एच ई पे क्रॉस लगा दीजिए आगे। ठीक है, द वन हु टीचेज इकोनॉमिक्स डज डैट ऑन ट्यूजडे। तो ट्यूजडे को क्या पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, बहुत ही बढ़िया। एंड द वन हु टीचेज केमिस्ट्री डज डैट ऑन सैटरडे। और सैटरडे को क्या पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बहुत ही बढ़िया। कृति टीचेज ऑन वेडनेसडे। कृति वेडनेसडे को पढ़ाती है। इप्सिता टीचेज हिस्ट्री बट नॉट ऑन थर्सडे। इप्सिता थर्सडे को नहीं पढ़ाती, इसका मतलब, ठीक है, क्रॉस करके आईपी लिख लीजिए। और इप्सिता पढ़ाती क्या है, इप्सिता पढ़ाती हैं हिस्ट्री। चलिए, अच्छा, यस, हिस्ट्री लिख लिया, बहुत ही बढ़िया। हितेश डिड नॉट टीच केमिस्ट्री। हितेश केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, ठीक है, हितेश, और आगे क्रॉस करके केमिस्ट्री लिख लीजिए। चलिए, अब क्या क्या चीज़ें आपके पास आ चुकी है, एक बार बारी बारी से देख लेते हैं जल्दी से। आपको ये बोला गया था कि एक तो इप्सिता पे फोकस करें, इप्सिता यहाँ नहीं पढ़ाती, इप्सिता हिस्ट्री पढ़ाएगी, तो यहाँ पर भी नहीं पढ़ा सकती, यहाँ पर तो गरीब में पढ़ा ही रही है, यहाँ पर महेश पढ़ा ही रहा है, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो इप्सिता के लिए एक ही जगह बचती है, वो है फ्राइडे। तो इप्सिता को मैंने सबसे पहले अरेंज किया और इसको फ्राइडे के सामने रख दिया, और पढ़ा क्या रही है, हिस्ट्री पढ़ा रही है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से एक बार थर्सडे से, यहाँ से थर्सडे से आप एक बार इप्सिता को इरेज कर दीजिए, क्योंकि इप्सिता को आप सेट कर चुके हैं, बिठा चुके हैं। चलिए, अब और क्या दे रखा है, लोकेश के बारे में दिखाई दे रहा है। लोकेश ना यहाँ बैठता है ना यहाँ बैठता है, तो सर लोकेश के लिए भी एक ही जगह बची है और वो है थर्सडे। अब लोकेश क्या पढ़ाता है, इको पढ़ाता है, तो इकोनॉमिक्स के आपके दो हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, बिल्कुल हो चुके हैं। अब केमिस्ट्री का अगर आप देखें, तो सर केमिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, तो केमिस्ट्री के लिए एक ही जगह बची है वेनसडे पे, यहाँ पर केमिस्ट्री आएगा, यहाँ पर केमिस्ट्री आ गया, तो सर हिस्ट्री के लिए फाइनल एक ही जगह बची थी संडे को, यहाँ पर आपका क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया। अब इसके अलावा लोकेश को आपने बिठा दिया है, हितेश के लिए आपने ये बोला था कि हितेश केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता है, तो हितेश यहाँ नहीं बैठ सकता, हितेश सैटरडे के सामने नहीं बैठ सकता, तो हितेश के लिए एक ही जगह है ट्यूजडे के सामने, तो ट्यूजडे के सामने हितेश को बिठा दीजिए। अब आपके पास कौन बच गया है, सर जतिन बच गया है, तो जतिन आ जाएगा सैटरडे पे। और ये बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मज़े मज़े में आपकी आराम से 3 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा सेट तैयार हो चुका है। अब इसका सवाल देख लेते हैं जल्दी से। हुज लेक्चर इज ऑन वेनसडे। वेनसडे को कौन लेक्चर देता है, वेनसडे को कृति देती है और केमिस्ट्री का देती है। चलिए, हुज लेक्चर इज ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन लेक्चर देता है, सैटरडे को लेक्चर देता है जतिन। वट इज़ ट्रू रिगार्डिंग हितेश। हितेश के बारे में क्या सत्य है, ये आपको बताना है, तो एक बार देख लेते हैं। हितेश ट्यूजडे को पढ़ाता है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेता है, ट्यूसडे को लेक्चर है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ट्यूसडे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ट्यूसडे, इकोनॉमिक्स ट्यूसडे, ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स ट्यूसडे आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये फाइनल सेट था आज का, जैसे कि आपने देखा बिल्कुल सिंपल सवाल थे, सभी के सभी ऐसे थे जो 3 मिनट के अंदर किए जा सकते हैं, मतलब ये तीनों की तीनों सेट आप बिल्कुल 9 से 10 मिनट के अंदर सारे के सारे विद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यही लेवल इस बार भी आएगा, तो आपकी कोशिश अब 30 की नहीं, अब आपकी कोशिश 35 की रहनी चाहिए, इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, और क्वेश्चंस का लेवल भी ऐसा नहीं कि कुछ खास है, बिल्कुल इजी सवाल आ रहे हैं, तो आपका टारगेट हमेशा 35 है। 35 का टारगेट करोगे तभी 35 के आसपास पहुंच पाओगे, अब 30 का सोचोगे तो 25 पे ही रह जाओगे, टारगेट आपका 35 का रहना चाहिए। अब इसी प्रकार के सेशंस आगे भी कंटिन्यू रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, डेली आपके लिए इस तरह के सेशंस हम ला रहे हैं, क्वांट के लिए भी, रीजनिंग के लिए। अब क्वांट के लिए मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा वीक है दोस्तों, आपके लिए डेली हम मेहनत कर रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी और एसबीआई क्लर्क प्री के लिए भी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, जिससे हम भी मोटिवेटेड फील करें आपके लिए, और अच्छा और अच्छी अच्छी इसी प्रकार के कंटेंट लाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट ईयर का जो 2019 का जो रिक्रूटमेंट था, उसकी पहली वेट लिस्ट आज डिक्लेयर होगी, काफ़ी आप में से कैंडिडेट्स हैं और काफ़ी हमारे चैनल के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, जो जान के बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, और उन सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बधाई है। बाकी आपके पर्सनल जैसे उन कैंडिडेट जैसे बहुत सारे हैं जो अभी प्री की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका फर्स्ट वेट लिस्ट में नाम आया, अब तो शायद ही वो एग्ज़ाम दे,
नादे तो ज़्यादा बेटर है, एक सीट ही ख़राब होगी उससे। आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी है, तो मैं जानता हूँ कि जिनका फिट फर्स्ट वेट लिस्ट में आएगा ये प्री का 2020 क्लियर ज़रूर कर देंगे, पर एक तरह से वो सीट ख़राब करने जैसी ही बात रहेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा ना ही दें तो ज़्यादा बेटर है। अब उनको कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल पर मैं आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो पढ़ के जो भी मेरी तरफ से मेरे एक्सपीरियंस से जो भी आंसर रहेगा आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब जाने से पहले सेम रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने टाइमिंग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में इन सेशंस को शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नाउ दैट्स ऑल।